ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपने कई सारे व्यापार बदल कर देख लिए, बहुत सी फैक्ट्री खोल ली, कोई दुकान खोल लिया, नए प्रकार के धंधे शुरू करे, व्यापार शुरू करे, लेकिन किसी भी व्यापार में स्थिरता नहीं हो पा रही है। किसी भी व्यापार को हम शुरू करते हैं, कुछ दिन तक चलता है, लेकिन जो होना चाहिए, जो उम्मीद है उस व्यापार से हमें होती है, वो नहीं पूरी हो पाती और व्यापार एक समय आने के बाद बंद हो जाती है। व्यापार में पैसे अटक जाते हैं, साथ ही साथ व्यापार में इतनी सारी बाधाएं, परेशानियां हमें शुरू हो जाती है कि जिसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो वर्तमान में या भविष्य में कभी भी आपको किसी भी व्यापार में कोई भी परेशानी न हो और आपके व्यापार में सभी चीजें स्थिरता बने, तो यह प्रयोग जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, यह आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। जिन भी जातकों को मैंने ये प्रयोग बताया, उन्हें बहुत फायदा मिला है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मुझे यकीन है कि आपके जीवन में भी वो सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। बस आप सभी से एक निवेदन है कि आप यह प्रयोग बहुत शांति से करें, समझे और अपने जीवन में अपनाएं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिख सकते हैं। चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहला प्रयोग करने में दो प्रयोग जो आपको करना है। दूज जो आती है जिस दिन चांद के दर्शन किए जाते हैं, दूज महीने में एक बार होती है जिस दिन चंद्र दर्शन होता है, तो दूज के दर्शन करना शुरू करना है आपको। सबसे पहले बात, जब उस दूज को दर्शन करें, उस दूज के दर्शन करने के 10वें दिन बाद प्रदोष आती है। कभी दिन कम हो सकते हैं, कई बार एक तिथि दो बार आ सकती है, तो प्रदोष के दिन धतूरा ले और अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पर आपको जाना है। कुछ चीज़ें समझें कि जो धतूरे की डंडी होती है वो आपके विपरीत अवस्था में होनी चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा तरफ आपका मुख है तो धतूरे की जो डंडी है वो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो धतूरा अर्पित करें और उस धतूरे के ऊपर आप जल से अभिषेक करें, और जल से अभिषेक करते वक्त हाटकेश्वराय नमः, भगवान हाटकेश्वर का नाम लीजिएगा और साथ ही साथ नमः शिवाय का जाप करेंगे, और उसके बाद उस जल को और उस धतूरे को घर में लेकर आ जाए, अपनी बरकत में अपनी पूजा स्थल पर रख दे। एक महीने में, दो महीने में और आने वाले 15-20 दिनों में इस प्रयोग को करने के बाद एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। कई सारे मेरे अनुभव है, कई सारे जातकों को ये प्रयोग बताया, उन्हें बहुत फायदा मिला और आपको भी जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक निवेदन है कि अगर आप चाहते अभिमंत्रित रुद्राक्ष तो वो भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित